वो अब तक न जाने कितना सफर कर चुके थे और टाइगर नहीं जानता था कि अभी कितना सफर बाकी है। मौसम खुशगवार हो गया था, हवा बारी बारी सी लग रही थी और समंदर की लहरों में भी तुगयानी का नामो निशान तक नहीं था। कुछ देर बाद हवा बिल्कुल ही बंद हो गई, कश्ती का बादबान ढीला हो गया तो वांटी ने मोटर स्टार्ट कर दी। अब हर तरफ धुंध ही धुंध फैलने लगी थी, समंदर की सतह पर धुआंसा उभरता दिखाई दे रहा था। एक घंटे तक उनका सफर शुमाल की जानिब जारी रहा, फिर अचानक ही टाइगर को धुंध में लिपटी हुई दो रोशनियां झिलमिलाती दिखाई देने लगी। ये रोशनियां जैसे ही दिखाई दी, वांटी तेज से हरकत में आया। उसने मस्तोल से बंधी हुई फालतू लालटेन उतारी और फौरन ही दोबारा ऊपर चढ़ाने लगा, गोया वो किसी को इशारा दे रहा था। टाइगर की निगाह उन दो रोशनियों पर जमी हुई थी जो दूर धुंध में नजर आ रही थी। अचानक उसे एक तीसरी लाइट भी दिखाई देने लगी। ये सब कुछ शायद वांटी के इशारे पर हुआ था। टाइगर पुरसुकून अंदाज में रोशनियों को घूरता रहा। थोड़ी ही देर बाद एक जहाज दिखाई देने लगा। वांटी ने अपनी कश्ती का इंजन बंद कर दिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता जहाज के पहलू से लगाने में मसरूफ हो गया। टाइगर को बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने जहाज के अर्शे पर मौजूद अमले के आदमियों की तरफ देखा। वो इस अंदाज में अपना काम कर रहे थे जैसे कोई नया काम न हो रहा हो, और जो कुछ भी हो रहा था ये मामूल के ऐन मुताबिक था। टाइगर ने वांटी की तरफ देखा, वो वाकई एक कामयाब और बाअसर स्मगलर था। टाइगर की आंखों में उसके लिए तारीफ की चमक पैदा हो गई। पहली बार वांटी टाइगर की तरफ मतवजह हुआ। दोनों देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर पहली बार वांटी के क्रख्त नक्शो निगार में तब्दीली नुमा हुई और वो मुस्कुराने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, टाइगर ने उसका हाथ थाम लिया। वांटी ने उसे सहारा देकर लाच नुमा कश्ती से जहाज की सीढ़ी तक पहुंचाया, जहां से वो ऊपर चढ़ता चला गया। जहाज के अर्शे पर गुमोची नाम के एक और मल्लाह ने उसका इस्तकबाल किया। ये हांगकांग का मल्लाह था। टाइगर ने उसका जायजा लिया। वो छोटे कद का पतला सा आदमी था। उसने स्याह चमड़े का जैकेट पहन रखा था जिसके सामने के बटन खुले हुए थे। उसके सर पर जो हेड था वो उल्टे हुए बड़े से प्याले से मुशाबा था। मगोची ने सरसरी निगाह से टाइगर की तरफ देखा, फिर हाथ से एक मखसूस इशारा किया और जहाज शुमाल मगरबी रास्ते पर यूं आगे बढ़ गया कि जैसे सिरे से कोई बात ही ना हुई हो। टाइगर ने जहाज के अर्शे से दूर बहुत दूर रोशनियां सी झिलमिलाती देखी। ये रोशनियां नन्हे नन्हे सितारों की तरह टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। टाइगर ने एक तवील सांस ली। वो उस सरजमीन से बहुत दूर निकल आया था जहाँ सुनी और मास्टर ताऊ मौजूद थे, और अब उसका एक अनोखा और अनजानी दुनिया की जानिब सफर शुरू हो गया था। वो इन ख्यालात को जहन से झटक कर मगोची के जहाज का जायजा लेने लगा। ये एक जदीद माल बरदार जहाज था जिसके इंजन वांटी की लॉन्च के मुकाबले में बिल्कुल नए और कम आवाज वाले थे। अगरचे इस जहाज में भी बादबान मौजूद थे लेकिन इस वक्त उन्हें लपेट लिया गया था और जहाज मोटर के जरिए मुतहरक था। मगोची के होंठों में एक सिगरेट तभी हुई ज्वल रही थी। वो बेहद बातूनी आदमी था। उसने टाइगर से यूं बातें शुरू कर दी जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। बातों के दौरान में सिगरेट उसके होंठों में एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ सरकती चली जाती, और इस काम में इतनी महारत थी कि आम आदमी के लिए सिगरेट का ये सफर खासा पुरकशिश खेल साबित होता। वो टाइगर से बातों के साथ साथ चीख चीख कर अपने आदमियों को हिदायत भी जारी करता जा रहा था। उसकी दानिश में टाइगर एक ऐसा ही माहिगीर था जो चीन से भागकर आजाद दुनिया की तरफ जा रहा था। गमोची की तमाम तर गुफ्तगु हांगकांग, वहां पर माहिगीरी और अपने जहाज या अपने अमले तक महदूद रही। टाइगर उसकी बातों पर असबात में सर हिलाता रहा। काफी देर बाद जब उसकी बातों का तूफान खत्म हुआ तो उसने कदरे राजदराना लहजे में कहा, जिस शख्स ने तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त किए हैं उसने तुम्हारे लिए एक चीज दी थी जो मेरे पास मौजूद है। उसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकाल लिया। ये लिफाफा उसने टाइगर के हवाले कर दिया। टाइगर के जी में आया कि उसे उस शख्स के बारे में दरियाफ्त करे जिसने ये लिफाफा उसे दिया था, लेकिन फिर उसे याद आ गया कि मास्टर ताऊ ने सनाजू की अकवाल नामी किताब में एक कहानी खास तौर से क्यों निशान जद की थी। उसे अपनी जुबान पर पूरी तरह काबू रखना था। उस शख्स का कहना था कि उस शख्स ने मेरा इंतखाब खसूसियत से इसलिए किया है कि मैं अपनी जुबान बंद रखने के सिलसिले में शानदार साख का मालिक हूँ, गमोची कह रहा था। टाइगर ने लिफाफा खोल डाला। लिफाफे में एक बरतानवी पासपोर्ट था और उस पर काफी पुरानी तारीख पड़ी हुई थी। पासपोर्ट की जाहरी हालत भी ऐसी थी कि उसे किसी तरह भी नया नहीं कहा जा सकता था। आज तक इत्तफाक से टाइगर को कभी अपनी तस्वीर खिंचवाने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। वो चीन भी इसी अंदाज में स्मगल होकर ही पहुंचा था, लेकिन उसे ये देखकर शदीद हैरत हुई कि पासपोर्ट पर उसकी अपनी तस्वीर चश्मा थी। वो जिंदगी में पहली बार अपनी तस्वीर देखकर लुत्फ अंदोज होने लगा।
इस तस्वीर से एक खास बात महसूस करके वो सोच में डूब गया। ये उसकी ताज़ा तरीन तस्वीर नहीं थी बल्कि वो उसे कम अज कम 6 साल पुराने होलिया पर फिट कर सकता था। इस सिलसिले में जैसे जैसे वो गौर कर रहा था उसकी अकल आजीज आती जा रही थी, लेकिन वो गमोची से किसी किस्म की तहकीकात नहीं कर सकता था। अगले रोज सूरज खूब चमकदार था। गमोची का जहाज तेजी से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवान दवा था। छोटे छोटे जजायर के करीब से गुजर कर जहाज बिल आखिर विक्टोरिया हार्बर में दाखिल हो गया। जब जहाज आबी शाहरा से गुजरा तो टाइगर ने अतराफ में देखा। एक तरफ हांगकांग था और दूसरी तरफ कोलोन की आबादी फैली हुई थी। ये दोनों जुड़वा शहर थे और सिर्फ इस आबी शाहरा की वजह से अलग अलग वाके थे, वरना वो एक ही शहर होता। बंदरगाह पर बहुत से जहाज लंगरअंदाज थे। किसी पर माल चढ़ाया जा रहा था और किसी से माल उतारा जा रहा था। ये बंदरगाह ही टाइगर की मंजिल मकसूद थी। वो हांगकांग पहुंच चुका था और अब उसे एक नई दुनिया में कदम रखना था। टाइगर और मास्टर ताओ के दरमियान इस बात पर बहस हो चुकी थी कि हांगकांग पहुंचकर उसे कैसे पता चलेगा कि फांग जिंदा है या नहीं और वो हांगकांग ही में मौजूद है या नहीं। मास्टर ताओ ने गहरी सोच में डूबे हुए लहजे में कहा था, इस सिलसिले में दो इम्कानी सूरतें हो सकती हैं। सबसे पहली इम्कानी सूरत यह है कि तुम अपना हुलिया तब्दील कर लेना और दूसरों की नजरों से ओझल रहकर ब्लैक सर्कल के अफ्यूनी अड्डों का सुराग लगाना, इफ्फत फरोशी के मकामात पर घूमना और देखना कि फांग कहीं नजर आता है या नहीं। हांगकांग और कोलोन काफी लंबे चौड़े शहर हैं, उनमें से इस अंदाज में फांग को तलाश करना एक मुश्किल काम है, लेकिन बिलाखिर वो सामने आकर रहेगा। इस तरीकाकार में वक्त तो काफी लगेगा, लेकिन मैं इसे महफूज तरीन तरीकाकार करार दूंगा और दूसरी सूरत बेहद तेज रफ्तार है। मैं तुम्हें इलाकों के नाम बता दूंगा, तुम सीधे वहाँ चले जाना और वहाँ पर जराइम के जो भी अड्डे तुम्हें अपने मतलब के मुताबिक लगे उनमें खलबली मचा देना। इस तरह चंद दिनों या चंद ही घंटों में फांग सामने आ जाएगा, लेकिन ये एक खतरनाक तरकीब है। अगर आप मेरी जगह होते तो कौन सा रास्ता इख्तियार करते, टाइगर ने मतानत से पूछा। ओह मैं, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक नातवां सा बूढ़ा आदमी हूँ, फिर मुझे कुछ तो खून से बेहद नफरत है। तुम एक कमजोर दिल बूढ़े से किस तरीका कार की तवक्को कर सकते हो। टाइगर ने मास्टर ताऊ का ख्याल जहन से झटक दिया और गमोची की तरफ मतवजे हो गया, जो जहाज को एक छोटी सी गोदी के साथ लगाने के लिए हिदायत दे रहा था। जहाज डीक से लग गया तो वो टाइगर के पास आया और मुस्कुरा कर बोला, हम हांगकांग पहुंच गए हैं। टाइगर ने दोनों हाथ अपनी छाती पर बांध लिए और असबात में सर हिला दिया। उसकी आंखें पुरहुजूम सड़कों और बाजारों को देख रही थी। उसने आखिरी चंद लम्हों में फैसला कर लिया था कि उसे कौन सा तरीका इख्तियार करना है। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का इरादा कर लिया था, तेज रफ्तार और खलबली मचा देने वाली तरकीब। मैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कैसे पहुँच सकता हूँ, उसने गमोची से दरियाफ्त किया। गमोची के चेहरे पर ऐसे तासरात पैदा हो गए जैसे टाइगर से हांगकांग के इस इलाके का नाम सुनकर उसे बेहद तकलीफ हुई हो। वो एक खौफनाक मकाम है, गमोची ने कहा, तुम वहाँ पर खसूसियत से किस हिस्से में जाना चाहते हो। टाइगर ने दोनों बाजू छाती से हटा लिए। कपड़ों के अंदर उसके बाजों की मछलियाँ तड़प उठी थी। वांटे की लाच में उसे जो मश्क करने और अमले तनफ्फुस की प्रैक्टिस करने की मोहलत मिली थी, उसने उसका जिस्म तवानाई से लबरेज कर दिया था। वहाँ के खराब तरीन हिस्से में उसने गमोची की बात का जवाब दिया। टाइगर ने गमोची से मुसाफा किया और वहां से चल दिया। उसने खुद को उछाल कर जब गोदी की तरफ से एक कुशादा सड़क की तरफ बढ़ना शुरू किया तो उसे मछेरे की आंखों में उलझन के आसार वाजे तौर पर महसूस हो रहे थे। उस कुशादा सड़क पर ट्रैफिक का अजदहाम था। कारें, बसें, बाईसाइकिलें, रिक्शे और ट्रक यूं दनदनाते हुए चल रहे थे जैसे उनमें बाकायदा ठन गई हो। जल्दी टाइगर उन राहगीरों के हुजूम में गुल मिल गया जो एक दूसरे को कुचलने के से अंदाज में धकेलते हुए अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर ने अपनी रफ्तार खासी तेज कर रखी थी, उसके लिए उसे लोगों से खासा बच बच कर चलना पड़ रहा था। ये बेहद महारत का काम था और उसे इस सिलसिले में काफी महारत थी। इस तेज रफ्तारी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसके जिस्म पर जो लिबास था इससे ब्लैक सर्कल के गुर्गे पहली ही निगाह में उसे शिनाख्त कर सकते थे। टाइगर की रफ्तार हुजूम के बावजूद इतनी तेज थी कि किसी जहनी मरीज कातिल को इसके अकब में आने का मौका नहीं मिल सकता था। चलते चलते वो अतराफ से पूरी तरह बाखबर था। यकयक उसे कपड़ों का स्टोर नजर आया तो वो अंदर चला गया। उसने सोचा कि सबसे पहले इन कपड़ों से निजात हासिल करनी चाहिए जिनसे उसकी शिनाख्त हो सकती थी। उसने अपने एक हम उम्र जवान को कछुए की गर्दन नुमा कॉलर वाला लिबास खरीदते देखा तो अपने लिए वैसे ही लिबास की ख्वाहिश जाहिर की। सेल्समैन ने अजीब सी नजरों से टाइगर की तरफ देखा और मतलूबा लिबास उसके हवाले कर दिया। टाइगर ने उसी स्टोर के डस्ट रूम में लिबास बदला और बाहर आ गया। बाहर आकर वो एक चट्टानी सड़क पर चल दिया
जो वेस्टर्न इलाके की तरफ जाती थी। चीन में काफी दिन गुजारने की वजह से उसे खुद पर तवज्जो देने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। उसके बाल काफी बढ़ गए थे और दाढ़ी भी खासी नुमाया हो गई थी। रास्ते में एक बार्बर शॉप पर वो कुछ देर के लिए रुका और फिर निकला तो वो हेयर कट की वजह से कोई अंग्रेज नौजवान ही दिखाई देता था। उसने एक स्टोर से नाखून तेज करने वाली रेती भी खरीद ली थी। चीन में कयाम के दौरान उसने एक नाखून बिल्कुल इसी अंदाज में बढ़ा लिया था जैसे कि ब्लैक सर्कल के गुर्के बढ़ा कर रखते थे। अब वो अपने इस नाखून की वजह से अपना पंजा किसी चीते या शेर के पंजे की मानिंद इस्तेमाल करके मतलूबा नतायज बरामद कर सकता था। 20 मिनट तक वो उसी सड़क पर चलता रहा, हत्ता कि वो एक ऐसे इलाके में जा पहुंचा जिसे गालिबन वहाँ का चाइना टाउन कहा जा सकता था। वहाँ हर तरफ गलाजत ही गलाजत थी। शराबी, भिखारी और मंशियात के आदि लोग जब जहाँ ऊँगते नजर आ रहे थे, गले सड़े फल पैरों तले आकर कुचले जा रहे थे। ये गली देखने में एक तवील कूड़ेदान ही लगती थी। आगे चलकर उसे इफ्फत फरोश औरतें दिखाई दी। वो अपने दरवाजों में खड़ी आने जाने वालों की तरफ मतवक्के निगाहों से देख रही थी। इन औरतों को देख कर टाइगर को याद आया कि अगर खुदा न खास्ता फांग सूनी को अगवा करके हांगकांग लाने में कामयाब हो जाता तो वो भी इसी तरह गलाजत का ढेर बन कर रह गई होती। अचानक उसे बिगड़े हुए चेहरों वाले नौजवान दिखाई दिए जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो उसे कोई अंग्रेज सयाह ही समझ रहे थे। उनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा, एहे, कोई लड़की चाहिए। टाइगर का जी चाहा कि उसके मुंह पर थूक कर ऐसा गुस्सा रसीद करे कि उसकी बतीसी मुंह ही मुंह में मुंतशिर होकर रह जाए। अफ्यून, एक और ने आवाज लगाई। टाइगर समझ गया कि ये नौजवान दलाल हैं। उनमें से हर एक उसे कुछ न कुछ पेश करने का खाहां था। उनकी हरीस नजरें टाइगर पर जमी हुई थी जो लिबास की वजह से खासा मतमूल नजर आ रहा था। टाइगर ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और चलता रहा। वो सूरज गरूब होने तक इस मखसूस इलाके का जायजा ले लेना चाहता था। उसकी निगाहें एक एक चीज गौर से देख रही थी और वो अब मतलब के मकामात ज़हन नशीन करता जा रहा था। शाम होते ही वो तीन ऐसे अड्डे तलाश करने में कामयाब हो गया जहां हीरवन फरोख्त होती थी। असमत फरोशी के अनगिनत अड्डे भी उनके जहन में महफूज हो गए थे। इसके साथ टाइगर ऐसे कई गुर्गों को भी याद रखने में कामयाब हो चुका था जो किसी बड़ी मछली के अंदाज में घूमने के आदी थे जिसे किसी छोटी मछली की तलाश रही हो। अब वो मजीद आस्तगी से चल रहा था। वो लोगों के चेहरों और इमारतों को जहन ही जहन में दोहराता जा रहा था। वो उस कॉर्नर पर जा पहुंचा जहां पर वाकई दुकानों के मालकान के बारे में टाइगर का ख्याल था कि वो मुजरमों की वजह से बहुत सख्त वक्त गुजार रहे हैं। दफतन उसके मुकाबले वो सितम शार आ गए जिनसे इलाके का तकरीबन हर शख्स दहशतजदा रहता था। एक दुकान का दरवाजा धमाके से खुला और सफेद एप्रन वाला एक शख्स उड़ता हुआ बाहर आकर सड़क पर गिर गया। उसके ताकुब में तीन नौजवान थे जिन्होंने उस शख्स को गुंसों और लातों पर रख लिया था। एप्रन वाला शख्स उनकी वजह से अंधों की तरह टटोलता और चीखता हुआ गटर की तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ बड़े कमजोर से अंदाज में मुदाफत कर रहे थे। जैसे ही उस शख्स की निगाह टाइगर पर पड़ी, उसकी आंखों में अपनी जिंदगी के लिए इस्तदा पैदा हो गई। ये रहम की अपील टाइगर के दिल की गहराइयों में उतर गई। वो एक झटके से रुक गया। एप्रन वाला शख्स अपना चेहरा बचाने की कोशिश में बुरी तरह पिट रहा था। बाजार से गुजरने वाले यूं पलट पलट कर देख रहे थे ये उनके लिए मामूल के मुताबिक ही कोई मंजर रहा हो। गोया उन नौजवानों का ये रोज का मामूल था कि वो दुकानदारों से गुंडा टैक्स वसूल करते थे और जो दुकानदार उनका मुतालिबा पूरा नहीं करता था उसका यही हशर होता था। टाइगर अब इस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से वो उन गुंडों पर हमलावर हो सकता था। दुकानदार हमलों और चोटों की ताब न लाकर तेजी से पीछे हटता चला गया था। अचानक उस नौजवान ने जो उस ग्रोह का लीडर मालूम होता था दुकानदार की खोपड़ी पर एक शदीद ठोकर मारी। दुकानदार कई कदम पीछे हट गया। अब उसके चेहरे पर ऐसे आसार थे गोया वो बिनाई खो बैठा हो। उसके बावजूद गुंडों की मारपीट की शिद्दत बरकरार रही। वो उसके जिस्म पर यूं ठोकरें और गुस्से मार रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि मिट्टी की एक बोरी हो जिस पर उनकी मश का सिलसिला जारी हो। लीडर के चेहरे पर नफरत ही नफरत फैली हुई थी। वो रुक रहा था। उसके दोनों साथी भी रुक गए और पलट कर टाइगर की तरफ देखने लगे जो अब उसके सामने खड़ा हुआ था और अब वो उसे हटाए बगैर उस मजलूम दुकानदार तक नहीं पहुंच सकते थे। उन सब की आंखों में बेयकीनी के तासरात थे क्योंकि आज तक उन्हें किसी एक हरीफ से भी मुदाखलत का सामना नहीं करना पड़ा था। लीडर ने टाइगर की आंखों में देखते हुए खूंखार लहजे में कहा, हमारे सामने से हट जाओ अहमक, तुम कौन हो? ये शख्स हमारा मकरूज है और हम इससे अपनी रकम हासिल करना चाहते हैं। अगर अदायगी नहीं करेगा तो हम इसकी लाश कसाबों के साथ फरोख्त कर देंगे। टाइगर के होंठों पर बड़ी ही हकारत आमेज मुस्कुराहट आ गई।
वो अपनी चमकदार आंखों से लीडर को घूर रहा था। उसकी आंखों में किसी गजबनाक सांप जैसा तासुर गुला हुआ था। अगर तुम मगरबी ना होते तो तुम्हें इस मुदाखलत की बारी कीमत अदा करनी पड़ती, लीडर ने सख्त लहजे में कहा। तुम अंग्रेज लोग नहीं जानते कि हम चीनियों का जिंदगी गुजारने का अंदाज कैसा होता है। टाइगर ने अब भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में लीडर के लिए बेपनाह तजहीक थी। शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया, लीडर ने उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। अगर तुम चीनी होते तो इस मुदाखलत के जुर्म में अब तक यकीनन हलाक हो गए होते। जाओ, चले जाओ। गुंडों में से एक टाइगर के पहलू में आकर खड़ा हो गया। उसका हाथ अपने जैकेट की अंदरूनी जेब में रेंग गया और जब वापस आया तो उसमें एक चाकू दबा हुआ था। हट जाओ सामने से, लीडर हाथ लहरा कर चीख पड़ा। इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम न माने तो ये हरकत तुम्हारे लिए जानलेवा साबित होगी। टाइगर ने अकब में एक धमाका सुना। ये आवाज बताती थी कि किसी ने दुकानदार के पेट में ठोकर मारी है। उसी लम्हे बदमाशों को एहसास हो गया कि वो वहां से जाने पर आमादा नहीं है। अचानक टाइगर ने कनखियों से एक चाकू का फल बुलंद होकर अपनी तरफ आते देख लिया था। चाकू का तेज धार फल रोशनी में चमक उठा था। उनके लीडर ने टाइगर की तरफ देखा और कमीज के अंदरूनी हिस्से में हाथ डाल दिया। टाइगर रक्स के से अंदाज में पहलू में हट गया और उसका एक पांव तेजी से खुला किसी ताकतवर स्प्रिंग की मानिंद, और फिर उसकी एड़ी एक बदमाश की रानों के दरमियान लगी। उसकी हलक से अजियतनाक क्राह निकल गई। यह छवि उसकी आंखों के किनारे से ओझल हो गई। टाइगर ने अपने अकब में किसी को लड़खड़ा कर ढेर होते महसूस किया। लीडर की आंखें पहले तो बेयकीनी की वजह से फैल गईं, फिर उनमें सख्ती पैदा होती चली गई और आंखें रफ्तार रफ्तार सुखड़ने लगी, हत्ता कि आंखों की जगह दो जुरियां सी रह गईं। ये उसकी सल्तनत थी और उसे अपना इक्तदार बचाने के लिए हर किस्म के चैलेंज का जवाब देना था। ओह, तो तुम ये समझते हो कि तुम्हें कुंग फू आती है, वो हकारत से बोला। मैं भी कुंग फू जानता हूँ। मैं गुज़िश्ता 10 साल से हांगकांग के सबसे बड़े मास्टर के ज़ेरे तरबियत हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि बगैर किसी हथियार के लड़ना बच्चों का खेल है और मैं तुमसे खेलना पसंद नहीं करूँगा। तुम अपने आप को सनाजू कबीले का सरदार जांग सीन फिंग और लिन फांग वगैरह समझते होगे, लेकिन अभी कुछ देर बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ये ख्वाब तुम्हें किस कदर महंगे पड़े हैं। उसने एक झटके से चाकू निकाल लिया और टाइगर की तरफ बढ़ने लगा। इस झटके ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली और हजूम होने लगा। टाइगर ने उन तमाशाइयों पर एक सरसरी सी निगाह डाली तो उसने महसूस किया कि इस हजूम में एक आदमी भी उसका तरफदार नहीं है, बल्कि हर शख्स उसे मरते हुए देखना चाहता है। गोया इस किस्म के मामलात यहाँ महज तफरीह हैसियत रखते थे। उसने हजूम की तरफ से तवज्जो हटा ली और अपने हरीफ को देखने लगा। उसकी आंखों और चेहरे से बेपनाह सुकून जाहिर हो रहा था। उसके दोनों हाथ सामने बंधे हुए थे। 3 कदम के फासले से जो चाकू उसके सामने लहरा रहा था, उसके नज़दीक इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। अगर मैं सनाजुक कबीले का सरदार होता तो क्या तुम इस अहमकाना हथियार से मुझ पर हमला करने की जुरत करते, टाइगर ने ओशान के से लहजे में कहा। लीडर जहाँ था वहीं थम गया, जैसे टाइगर की बात ने उसे मुंजमित कर दिया हो। वो उसे अंग्रेज समझा था, लेकिन टाइगर की जुबान और अंदाज से उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो गलती पर था। गालिबन उसे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि टाइगर को मुकाबले की दावत देना एक बचकाना फेल होगा। लीडर ने सर से पांव तक उसका जायजा लिया, जैसे टाइगर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हो। फिर उसने अपने उस साथी को आवाज देकर पास बुला लिया जो दुकानदार से उलझा हुआ था। अब वो दोनों टाइगर के सामने खड़े उसे घूर रहे थे। लीडर ने अपने साथी की तरफ झुक कर सरगोशी में कुछ कहा, फिर उसकी निगाह अपने उस साथी पर जम गई जो दोनों हाथ अपनी नाफ पर रखे लड़खड़ाता हुआ एक दीवार से जा टिका था और लाश की तरह सफेद चेहरे और फटी फटी आंखों से उनकी तरफ देख रहा था। टाइगर साकत खड़ा रहा। मान लीडर और उसका साथी कदरे फासले पर खड़े हो गए। अगले ही साथ वो अतराफ से टाइगर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही लीडर के साथी ने अकब से उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की, टाइगर ने सर्द निगाहों से लीडर की तरफ देखा, फिर बाएं पंजे पर घूम कर टांग उछाली तो उसकी ठोकर हमलावर की बगल में पड़ी। वो जवान कराह कर लड़खड़ाया। उसके हाथ से चाकू सड़क पर गिर गया। उसी लम्हे लीडर ने भी हमला कर दिया था। टाइगर का गुस्सा उसके कंधे पर पड़ा।